बात कर लेते हैं हम घर में पति पत्नी की। ये भी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें नोक झोंक लाजमी है और वो अक्सर देखने को मिल जाती है। और अब पेंडेमिक के दौर में जब हम घर में सब इकट्ठे रह रहे हैं, एक दूसरे को हर रोज़ फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें होना बहुत ही स्वाभाविक है। इट इज़ अ वेरी नेचुरल थिंग कि ये सब चीज़ें होंगी। लेकिन ऐसे में हम कैसे एक दूसरे को का ख्याल रखें, कैसे अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखें, कैसे उसे एक उम्दा रखें, क्या करें, ऐसा क्या कुछ क्रिएटिव करें कि जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से रन करे, अच्छे तरीके से रहे, और इस पैंडेमिक के दौर में भी हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें, ऐसा क्या करें। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों जो हम इग्नोर कर देते हैं, जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। आज क्योंकि हम इकट्ठे रह रहे हैं घर में, हमारे पास कंजस्टेड स्पेस है, बहुत सारे लोगों के पास टू रूम भी नहीं है, एक ही कमरे में आपको रहना पड़ रहा है, एक दूसरे के साथ वहीं पे आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली ऐसे में कुछ चीज़ें तो घटित होना स्वाभाविक है। लेकिन हम उनको अवॉइड कर सकते हैं, हम उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में है भी तो आप उसे बैठ कर सुलझाएं बातचीत के साथ, ना कि आप कम्युनिकेशन गैप बना ले, क्योंकि जब कम्युनिकेशन गैप बन जाएगा तो डेफिनेटली फिर चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं, वो कम नहीं हो पाती हैं। तो आपका अगर आपके पार्टनर के साथ किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, उसे दिमाग में मत रखिए, अपने तक सीमित मत रखिए। जब भी आपको सही समय लगे, जब भी आपको सही वक्त आपको लगे कि हाँ अब मुझे ये बात कहनी चाहिए, तो डेफिनेटली एक सही समय देखकर, अपने पार्टनर का मूड देखकर आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को उनके सामने रख सकते हैं। तो हो सकता है, चांसेस हैं ज़्यादा कि अगर सही वक्त पे आप सही मूड देकर अपनी बात कहेंगे तो डेफिनेटली आपके जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं रिजॉल्व हो जाएंगे, वो बढ़ेंगे नहीं। लेकिन इस पैंडेमिक के दौर में जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं, ऐसे केसेस हमारे पास आ रहे हैं कि दे आर सफरिंग, उनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि उनका जॉब चला गया है, फाइनेंशियल जो भी आपने सेविंग कर रखी थी वो सब ख़त्म हो गई हैं, और नाउ दे आर स्ट्रगलिंग। तो ऐसे में ज़रूरी है कि एक दूसरे के साथ बातचीत करना। मेरा मानना ये है कि अगर आपका पार्टनर, अगर आपकी पत्नी किचन में कुछ बना रही है, आप भले ही कुछ ना करो, आप जा कर के सिर्फ खड़े हो जाओ, तो डेफिनेटली वो थकेगी नहीं, उसे किसी तरह की थकान नहीं होगी, वो कभी ज़िंदगी में रुकेगी नहीं। ये मेरी सोच है। अगर आप भी कुछ ऐसा क्रिएटिव कर पाते हैं तो डेफिनेटली मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके रिलेशनशिप में कभी किसी तरह की खटास नहीं आएगी। और सेम वाइस वर्सा, अगर आपके हस्बैंड की जॉब चली गई है, आपके हस्बैंड किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पत्नी भी जाकर अगर कंधे पर हाथ रख के ये बोल दे कि जी हाँ मैं आपके साथ हूँ, इस बुरे दौर में हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे, तो डेफिनेटली वो जो एंटीबॉडीज बनाता है शरीर के अंदर, वो जो चीज़ें क्रिएट करता है, तो डेफिनेटली फिर चीज़ें आपके पकड़ में होंगी और आपका रिलेशनशिप सदा हरा भरा रहेगा। कोई ताकत नहीं जो आपके रिलेशनशिप को किसी भी तरीके से प्रभावित कर पाए। तो आप लोग, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी आपको लगे कि आपका पार्टनर किसी भी तरीके से उनका मूड अच्छा नहीं है, वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या फिर आपको लगे कि अपसेट हैं, तो डेफिनेटली गो हैड, ट्राई टू टॉक टू हिम और हर, ताकि वो आपके मन की बात आपको कहें, तो उनका जो स्ट्रेस है वो रिलीज होगा और चीज़ें जो है वो सुलझती हुई नज़र आएंगी। कम्युनिकेशन ज़रूरी है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन इज़ द की ऑफ द रिलेशनशिप। मैं हर बार हर किसी को यही समझाता हूँ और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन ज़रूरी है। बातचीत ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप अपने रिलेशनशिप को सुलझा सकते हैं। अगर उसमें कोई दिक्कत आई आ गई है तो डेफिनेटली दिस इज़ द की टू रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट्स, वो ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, आज जैसे हमारे यंगस्टर्स हैं जो कि आपके लव्ड वन हैं, आप किसी से प्यार करते हैं, किसी एक रिश्ते में हैं, डेफिनेटली वो इस पैंडमिक के दौर में मिल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, वो एक और घर में भी जैसे हम फ़ोन पे भी बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे
अगर मैं कुछ इलाकों को छोड़ दूँ, कुछ एरियाज़ की मैं बात ना करूँ, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट रूरल बैकग्राउंड्स और आई एम टॉकिंग अबाउट द रिजर्व सिटीज़ लाइक जो छोटी छोटी सिटीज़ हैं जहाँ हम रहते हैं, वहाँ पे आज भी हम अपने ट्रेडिशंस हमारे ऐसे हैं कि जहाँ पे हम अपने फ्रेंड्स से या जिससे अपने लव्ड वन से हम सबके सामने बात नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं अब जैसे हमारे पास केसेस आते हैं कि जी जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है तो हमें वक्त नहीं देते हैं, हमें फ़ोन पे बातचीत नहीं होती है, पहले हम घंटों बातें करते थे, अब 2 मिनट भी बात नहीं होती है और मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों, वक्त की नज़ाकत को समझना चाहिए। ये पूरा विश्व जो है इस पैंडेमिक के दौर से गुजर रहा है और ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम बातचीत करें, दिन में हम 2 मिनट ज़रूर निकाल सकते हैं, हम 5 मिनट ज़रूर निकाल सकते हैं किसी के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास वक्त नहीं होता और हमें उन सिचुएशन को समझना चाहिए। ये ज़रूरी है, अगर आप नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली फिर कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में खटास आना ज़रूरी है। यही चीज़ें हम कहते हैं सबको कि आप जो है थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, पेशेंस बनाना ज़रूरी है। पेशेंस नहीं होगा, इम्पेशेंस हो जाएंगे, शॉर्ट टेम्पर हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ें खराब होंगी। तो आप इस दौर में थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, वक्त ज़रूर अच्छा आएगा, ये वक्त गुजर जाएगा और जैसे ही ये वक्त गुजरेगा, जैसे ही सब चीज़ें अनलॉक होंगी और आप बाहर घूमने की परमिशन हम सबको मिलेगी, तो डेफिनेटली आप मिल सकते हैं, आप क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ गुजार सकते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस की हमें ज़रूरत है। और हमें कपल्स हैं तो उनके बीच में क्या शेयर करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हम शेयर कर सकते हैं। आप घर में हैं, आप ऑफिस का काम भी करते हैं, आपके पास ऑफिस की कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, आप वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वी शुड शेयर विद आवर स्पाउस, जो भी आपका पार्टनर है आप शेयर कर सकते हैं। आपके फाइनेंशियल लॉसेस हैं, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस जो भी हैं, या फिर दूसरी चीज़ें आपकी लाइफ के साथ जो अटैच हुई हैं, या आपने किसी लव्ड वन को आपके परिवार में से किसी आपने खो दिया है पेंडेमिक की वजह से, तो डेफिनेटली यू कैन टॉक ऑन दोज थिंग्स टू ईच अदर। और दूसरा, आप इंसान की एक फितरत होती है कि हमेशा हम बुरे वक्त को ज़्यादा देर तक याद रखते हैं। इससे पहले, इस 1.5 साल से पहले, 2 साल से पहले हमने बहुत अच्छा वक्त भी गुजारा है, लेकिन हम वो सब भूल गए हैं क्योंकि हमें सिर्फ ये क्राइसिस नज़र आ रहा है, हम सिर्फ एक क्राइसिस के बीच में ही बन के रह गए हैं और हम उन अच्छे तमाम चीज़ों को हम भूल गए हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, ये वक्त बहुत कम है, इससे पहले हमने बहुत अच्छा समय गुजारा है, हम उन तमाम यादों को याद करके, उन मेमोरीज़ को हम दोबारा से रिवाइज करके अपनी लाइफ में हम खुश रह सकते हैं। जहाँ पे भी हम घूमने गए थे इकट्ठे, जहाँ पे भी आप अपने पार्टनर के साथ वहाँ पे गए थे, तो अब चीज़ें जो है आप उन मेमोरीज़ के साथ, उन चीज़ों को याद करके आप खुश रह सकते हैं। आप इस बुरे दौर में भी जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, आप उन सब के बीच, इन हालात के बीच आप खुद को खुश रख सकते हैं। बस ज़रूरत है कि आप किस तरीके से एक दूसरे को खुश रखें, किस तरीके से एक दूसरे का ख्याल रखें, और इस सबसे भी ज़रूरी है कि हम खुद का ख्याल कैसे रखें, खुद को कैसे खुश रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अब एक चीज़ देखने को आती है कि कपल्स के बीच बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, दे डोंट वॉन्ट टू सी ईच अदर फेसेस। भाई थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, हम सबको पता है कि एक ऐसे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, हमको सबको पता है कि हमारे घर में फाइनेंशियल क्राइसिस है, हम किसी की जॉब भी चली गई है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपकी नोक झोंक हो रही है। तो आपको थोड़ा सा रूट कॉज की तरफ जाने की ज़रूरत है, आप देखिए कि कहाँ वो हॉट बटन्स क्या हैं, जहाँ पे आप वो हॉट टॉपिक्स क्या हैं जिनके ऊपर डिस्कशन आते ही आप वो चीज़ें आर्ग्यूमेंट में चेंज हो जाती हैं, वो सेंसिटिव नर्व्स क्या हैं, वो आपको ज़रूर ख्याल रखना है कि हम उन टॉपिक्स पे बात ना करें, हम उन हॉट बटन्स को ना छेड़ें जिसकी वजह से हमारे घर का माहौल ख़राब हो, हमारे रिलेशनशिप के बीच में थोड़ा सा दिक्कतें शुरू हों। तो हर कोई इतना समझदार है, हर किसी को ये पता होता है कि अगर हम किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं और उस टॉपिक के बात करने से घर का माहौल ख़राब होता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, हॉट आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती हैं, तो हमें
फिलहाल उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर आप उन सब चीज़ों पे बातचीत करना ही चाहते हैं तो आपको एक सूटेबल टाइम ज़रूर देखना चाहिए। आपको अपने पार्टनर का, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ, मूड ज़रूर देखना चाहिए, तभी आप अपनी बात को रखें। अगर आप अपनी बात को गलत समय पर रखेंगे तो चांसेस हैं कि चीज़ें खराब होंगी, चीज़ें जो है वो बिगड़ेंगी। तो आप सब ये सब काम कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को हेल्दी रख सकते हैं। इस दौरान ये ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा पेशेंस ज़रूर रखें, शॉर्ट टेम्पर ना हो, हम जो है जल्दी से गुस्सा ना करें। अगर गुस्सा हो भी जाते हो तो उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए रखें, ज़्यादा समय के लिए ना रखें। ठीक है, पति पत्नी में नोक झोंक हो जाती है, कपल्स में नोक झोंक हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कम्युनिकेशन गैप को बढ़ाते चले जाएं। अगर कोई बात हो भी गई है तो उसे वहीं पर स्टॉप करें और उसको जो है थोड़ी देर के बाद भूल जाएं, और फिर से वही नॉर्मल जो है आपका रिलेशनशिप जैसा है उसमें आप अपने आप को इन्वॉल्व करें। और बातचीत करना ज़रूरी है, बातचीत करते रहिए, वो ज़रूरी है। दूसरा, अब सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब हम घर में रह रहे हैं, अब घर में रह रहे हैं तो डेफिनेटली हम घर में रहेंगे तो एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम एक दूसरे के स्पेस का ख्याल रखें, कि हर किसी इंसान को एक स्पेस की ज़रूरत होती है। तो हम जो है उस अपने पार्टनर को, अपने बच्चों को या घर के जो भी सदस्य हैं उनको एक प्राइवेट स्पेस की जो ज़रूरत है वो कोशिश करें कि उनको मिले, क्योंकि दिक्कतें तभी शुरू होती हैं जब आपका स्पेस, जो इंडिविजुअल स्पेस आपको चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। तो अगर आपके पास सही से आपके पास अकोमोडेशन है, आपके पास पूरा स्पेस है कि आप हर किसी के पास एक कमरा है, लेकिन हर किसी के पास ऐसा नहीं होता है, बट वी हैव टू मैनेज। कि अगर आपको, जैसे आजकल एक फ्रस्ट्रेशन का कारण ये भी है कि हम घर में रह रहे हैं तो हम अपने सब फ्रेंड्स के साथ बातचीत नहीं कर पाते हैं, वो खुल के बातचीत नहीं हो पाती जो हम पहले ऑफिसेज में कर लेते थे या बाहर मिलके कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं अब जो व्यवहार में चेंजेस हुए हैं, जो हमारे कम्युनिकेशन स्टाइल में जो चेंजेस आ गए हैं, हम हर किसी के सामने वो बातचीत नहीं कर पाते हैं उनसे, उतना खुल के हम उनको कम्युनिकेशन हमारा नहीं हो पाता है, तो वो कहीं ना कहीं अब कम हो गया है। तो उसकी वजह से भी लोगों में मैंने देखा है कि थोड़ा सा इरिटेशन है और वो शिकायत करते हैं कि जी हम जो है बातचीत नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप जब आपके पास समय है तो आप मिल करके कुछ अच्छा क्रिएटिव खाना बना सकते हैं, कोई मूवी देख सकते हैं, अच्छा म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, बहुत सारी और चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप पुराने दौर के, जो आप जब आप बचपन में थे तो आप बहुत क्रिएटिव होते थे, आप बहुत अच्छे अच्छे गेम्स आप खेलते थे, आप उनको दोबारा से अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं, अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन करेगा और आपके रिलेशनशिप में हमेशा एक फ्रेशनेस जो है वो बनी रहेगी।